हार्दिक की पत्नी नताशा ने इंस्टाग्राम से पंड्या सरनेम हटाया। सोशल मीडिया रिपोर्ट में तलाक की अफवाह। 2020 में की थी शादी। टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की पत्नी नताशा स्टैनकोविच ने अपने इंस्टाग्राम से पंड्या सरनेम हटा दिया है। इसके बाद सोशल मीडिया पर दोनों के तलाक की अटकलें लगाई जा रही हैं। सोशल मीडिया पर कई रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि दोनों का तलाक हो चुका है और नताशा ने हार्दिक की 70% प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली है। नताशा इस बार पूरे IPL से नदारद दिखी। मुंबई के किसी भी मैच के लिए नताशा स्टेडियम में चीयर करने नहीं पहुंची। इसके बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि दोनों के रिश्तों में दूरियां आ चुकी है। हालांकि दोनों की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। नताशा ने इंस्टा से पांड्या सरनेम हटाया। नताशा ने शुक्रवार को इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई है जिसमें वो एक्सरसाइज करती नजर आ रही हैं। उन्होंने एक फोटो भी लगाई है जिसमें नताशा को सेल्फी के लिए पोज देते हुए देखा जा सकता है। इस फोटो में उन्होंने सफेद टी शर्ट और काले और सफेद कलर का स्ट्रग और ब्लैक क्रॉस बॉडी बैग पहनी हुई थी। पिछले 5 से 6 IPL में हर बार हार्दिक के साथ नजर आई नताशा। 31 मई 2020 को शादी के बंधन में बंधे थे नताशा और हार्दिक। एक्ट्रेस नताशा और हार्दिक 31 मई 2020 को शादी के बंधन में बंधे थे। उसी साल 30 जुलाई को उनके बेटे अगस्त का जन्म हुआ। बच्चे के जन्म की सूचना खुद हार्दिक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दी थी। दोनों ने पिछले 7 फरवरी में वैलेंटाइन डे के मौके पर पारंपरिक रीति रिवाज के साथ शादी की थी। राजस्थान के उदयपुर में ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी रची गई थी। मुंबई के क्लब में हुई थी हार्दिक और नताशा की मुलाकात। हार्दिक और नताशा की मुलाकात मुंबई के क्लब में हुई थी। वहीं से दोनों के बीच दोस्ती हुई और आगे जाकर दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। जब हार्दिक करियर के बुरे फेज में चल रहे थे तब नताशा ने उनका काफी सपोर्ट किया था। जनवरी 2020 में दुबई में दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहनाई और ऑफिशियली इंगेज हो गई। डीजे वाले बाबू से फेमस हुई थी नताशा। नताशा स्टैनकोविच का जन्म 4 मार्च 1992 को सर्बिया में हुआ था। उनकी बॉलीवुड में पहली फिल्म सत्याग्रह थी। इसके अलावा वो बिग बॉस 8 और नच बलिए 9 में बतौर कंटेस्टेंट नजर आई। बादशाह के गाने डीजे वाले बाबू से उन्हें काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी। हार्दिक के पास बड़ौदा में 6000 स्क्वायर फीट का पेंट हाउस। हार्दिक पांड्या के पास 2 घर हैं। बड़ौदा में उनका खुद का एक आलीशान पेंट हाउस है। बड़ौदा पेंट हाउस 6000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। इसमें जिम और निजी थिएटर जैसी कई आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। यहां पांड्या अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनके पास कलेक्शन में 4 करोड़ की लैम्बोर्गिनी से लेकर 6.15 करोड़ रुपए की रोल्स रॉयस तक है। ऑडी, रेंज रोवर, मर्सिडीज जैसी लग्जरी गाड़ियां भी उनके पास है। हार्दिक ने 2016 में टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया। हार्दिक पांड्या की बात की जाए तो उन्होंने 2016 में टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया था। हार्दिक टीम के स्टार ऑलराउंडर हैं और अपने खेल से टीम को कई मैच जिता चुके हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 में वो टीम के उपकप्तान हैं।